हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम सभी ने देखा कि केन्या के गांव कैसे है। आज हम इंडियन ओशन देखेंगे, जिसे हम भारत में हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर विश्व का तीसरा महासागर है, जो पृथ्वी का लगभग 20% भाग कवर करता है। वाटर बोर्डिंग, सर्फिंग, स्नॉकलिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए ये समुंदर बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं आपको ग्लास बॉटम बोट दिखाने वाली हूँ। इसे ग्लास बॉटम बोट कहते हैं क्योंकि इसकी खासियत ये है, टूरिस्ट या ट्रैवलर है वो बोट के अंदर से पानी के नीचे का वातावरण बहुत आसानी से देख सकता है, जैसे कि मछली और समुद्र में जो भी चीज़ें हैं वो। और ये जो पीले रंग की बोट दिखाई दे रही है वो है मेरी ग्लास बॉटम बोट। और यहाँ से हम सब समुद्र के अंदर का जो वातावरण है और मछलियाँ है वो देख सकते हैं। वाव, सामने का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह बोट का कैप्टन अली। मैं अब बोट के ऊपर आई हूँ। ये है कैप्टन अली। जो वो सामने देख रहे हैं वो है आइलैंड। वहाँ बहुत ही सुंदर मछलियाँ है और अभी हम वहाँ स्नॉकलिंग करने जा रहे हैं। ये नज़ारा तो देखो, बहुत ही बहुत खूबसूरत है। तो मैं अब आइलैंड पर पहुँच गई हूँ। वाइट सैंड का ये आइलैंड बहुत छोटा है, ज़्यादा तो बड़ा नहीं है। तो ये देखो, ये है ग्लास जो कि बोट के अंदर है। ये देखो कितने सारे फिश है। ग्लास बोट से आने का ये फायदा रहा। बीचों बीच समंदर में हम देख सकते हैं कितने तरह के अलग अलग कलर के, हर एक टाइप के बहुत फिश है। ये देखो, angalia apo kwa glasses sisi jaone samaki nyoka huyo. No. Usogope Naomi. That don't bite. No, that don't. Oh, unafanya scared. That don't bite. That too small to bite. That is starfish. See here the middle, yeah. And yeah, they have some legs. They have internal legs. But the legs is no danger. Some flesh. It's very hard, like a plastic. Nothing. Guys, जो अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हो वो है रेड स्टार फिश। ये केवल समुद्र में ही होता है और इसकी खासियत ये है कि लाल घुंघराले स्टार फिश सिर्फ इंडियन ओशन में ही है, ज़्यादातौर पर अफ्रीका में। एक्चुअली वो रेती और कीचड़ भरे समुद्र पर रहना पसंद करते हैं।
जहाँ वो आसानी से खाने के लिए चारा ढूंढ सकते हैं। अभी आप देख सकते हो उनके पैर, इनके पैर बहुत ही पतले होते हैं। ये ट्यूब शेप वाले पैर आसानी से ऑक्सीजन स्टारफिश के उदकों तक पहुँचाता है। ये सी स्टारफिश सांस लेने के लिए लंग्स का उपयोग नहीं करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी हाथ में ये स्टारफिश लिया है, इसका मतलब ये स्टारफिश पॉइजनस नहीं है। अभी जो मेरे हाथ में है वो है ब्रिटल बास्केट स्टारफिश। ये दुनिया के सभी महासागरों में रहता है। ये समुद्र में जो शैवाल पौधे होते हैं उसके बीच में रहता है। और आपको दिखाई दे रहा होगा वो जो बीच में ये सर्कुलर पार्ट है वो है इस स्टारफिश का माउथ, और ये जो बाजू के हैं वो है आर्म्स। देखो कितना बहुत बढ़िया लग रहा है।